आप सभी ने भूतों, भूतिया जगों या भूतिया गुड़ियाओं के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आप यह जानते हैं कि दुनिया की सबसे भूतिया किताब कौन सी है? तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड बुक यानी दुनिया की सबसे भूतिया किताब के बारे में। यह है डेविल्स बाइबल, जिसका असली नाम है कोडेक्स गीगा। यह एक ऐसी रचना है जो बेहद कम वक्त में लिखी गई थी, और यह किताब लोगों को शैतान की पूजा करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब को लिखने के पीछे लेखक की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, वो बस एक अनोखी रचना का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन अस्तित्व में आई ये किताब, जो डेविल्स बाइबल के नाम से मशहूर है। इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक सन्यासी ने बनवाया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। जिस तरह से इस किताब का निर्माण हुआ, वो अपने आप में ही एक अनसुलझा रहस्य है। इस किताब को इतने कम वक्त में लिखा गया था कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे किया गया होगा। इस किताब को 13वीं शताब्दी में बेनेडिक्टिन मोनेस्ट्री ऑफ पोल्डेजिस इन बोहिमिया नाम की जगह पर लिखा गया था, जो कि सजेक रिपब्लिक का हिस्सा है। ये किताब इतनी बड़ी है कि इसे उठाने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए होते हैं। ये किताब 36 इंच लंबी, 120 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटी है। इसका वजन 85 किलो है। इतनी बड़ी किताब को आखिर एक रात में उस समय कैसे लिखा गया होगा? ये सवाल आज भी इतिहासकारों का सिर चकरा देता है। इस पुस्तक का नाम डेविल्स बाइबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसे किसी दैवीय शक्ति ने नहीं, बल्कि एक शैतानी शक्ति की प्रेरणा के जरिए लिखा गया था। जितनी रहस्यमयी ये किताब है, उससे भी ज़्यादा बड़ा रहस्य इसके निर्माण को लेकर है। इसे सिर्फ एक रात में लिखा गया था, जो कि इंसानी बूते से बाहर है। इस किताब के पीछे एक कहानी है। उस समय एक व्यक्ति था जिसे एक राजा ने मौत की सज़ा दे दी थी। उसने राजा को खुश करने के लिए एक बहुत ही अनोखी पुस्तक लिखने की डील की। राजा ने उसे एक रात में वह पुस्तक लिखने के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब वक्त बीतने लगा तो उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया, और उसने किसी तरह दैवीय शक्ति का सहारा लेने के बजाय शैतान लूसीफर का आह्वान किया। उसने शैतान लूसीफर से एक डील की, जिसमें लूसीफर को उसके लिए एक अनोखी किताब लिखनी थी, जिसे पहले कभी न लिखा गया हो। बदले में उस व्यक्ति को लूसीफर को अपना सब मानकर उसकी पूजा करनी थी, और उसे अपनी आत्मा उसके नाम कुर्बान करनी थी। लूसीफर ने उसकी प्रेयर स्वीकार कर ली, और सुबह जब वह उठा तो उसे उसके सामने एक अद्भुत किताब थी। जब उस किताब को पढ़ने की कोशिश की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ये कोई दिव्य ग्रंथ ना होकर शैतान का आह्वान करने वाला एक ग्रंथ था। उस किताब को नष्ट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन इस पुस्तक के साथ घटने वाली घटनाएं लोगों को हैरत में डाल देती हैं। ये पुस्तक जहां भी, जिसके पास भी होती, वह व्यक्ति दिव्यता को खोने लगता और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। लोगों का कहना था कि उन्हें इस पुस्तक में से शब्द बाहर निकलकर जलते हुए दिखाई देते थे। ये किताब आज एक संग्रहालय में रखी हुई है। इस किताब के पहले पन्ने पर एक शैतान का चित्र है, जो इसे भयानक बनाता है। इसे बनाने के लिए 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा माना जाता है। इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं, जो ज़्यादातर शैतान के आह्वान से जुड़ी विधियों से भरे पड़े हैं। ये दुनिया की सबसे भूतिया और रहस्यमय किताब है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अब मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो में।